बेंगलुरु का व्याली कवल इलाका, सिक्स क्रॉस पाइपलाइन रोड पर मौजूद एक तीन मंजिला बिल्डिंग और उस इमारत के कमरे में रखा 165 लीटर मॉडल का एक सिंगल डोर फ्रिज। उसी फ्रिज में पूरे हेलो हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सब? क्या आप सब ने बेंगलुरु के महालक्ष्मी मर्डर केस के बारे में सुना है? आपने सुना होगा तो बहुत तरीके से सुना होगा, बहुत वीडियो में आपने ये भी देखा होगा कि लड़की का किसी और के साथ चक्कर था, लड़के ने नशे में किया है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस अलग अलग रुख लेकर आती हैं। कभी कभी कुछ वीडियो में ये भी दिखाते हैं कि लड़का मुस्लिम था, कभी कभी कुछ वीडियो में ये भी आता है कि लड़का हिंदू था। दोस्तों ये वीडियो देखते हैं TV9 भारतवर्ष के साथ, आइए स्टार्ट करते हैं। बेंगलुरु का व्याली कवल इलाका, सिक्स क्रॉस पाइपलाइन रोड पर मौजूद एक तीन मंजिला बिल्डिंग और उस इमारत के कमरे में रखा 165 लीटर मॉडल का एक सिंगल डोर फ्रिज। उसी फ्रिज में पूरे 19 दिनों तक 29 साल की महालक्ष्मी की लाश के करीब 30 से 40 टुकड़े बंद थे। इसके अलावा भी कई टुकड़े फ्रिज के बाहर उस कमरे के फर्श पर बिखरे पड़े थे। खुद बेंगलुरु पुलिस को याद नहीं कि उन्होंने इससे पहले कभी इतना खौफनाक मंजर या क्राइम सीन देखा। शुरुआत में तो खुद पुलिस वाले इस कमरे में जाने की बजाय उल्टे पांव लौट गए थे। कमरे में टुकड़ों की शक्ल में सबूत ऐसे बिखरे पड़े थे कि बेंगलुरु की फॉरेंसिक टीम को भी उसे समेटने के लिए सरकारी अस्पताल के मेडिकल स्टाफ को बुलाना पड़ा। नमस्ते, मेरा नाम है अंकित और हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु के महालक्ष्मी हत्याकांड की। एक ऐसा हत्याकांड जिसने दिल्ली के श्रद्धा वाकर मर्डर केस की यादें ताजा कर दी। 27 साल की श्रद्धा को उसके प्रेमी और लिव इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला ने 18 मई 2022 को मार डाला था। इसके बाद उसने श्रद्धा की लाश ठिकाने का जो तरीका अपनाया उसे जानकर पुलिस ही नहीं बल्कि पूरा देश सन्न रह गया था। ठीक उसी तरह अब बेंगलुरु में महालक्ष्मी का कत्ल करके उसकी लाश के टुकड़ों को फ्रिज में छिपाया गया था। कातिल ने इतनी तसल्ली से हत्या की और लाश को टुकड़ों में काटा कि पड़ोसियों को भनक तक नहीं लगी। वारदात का खुलासा कमरे से उठ रही तेज बदबू से हुआ। बगल के कमरे में रहने वाले शख्स ने मकान मालिक को इसकी जानकारी दी। मकान मालिक ने महालक्ष्मी की मां को इत्तला किया। कुछ घंटों में महालक्ष्मी की बहन, मां और भाई मौके पर पहुंच गए। मकान मालिक और पड़ोसियों की मौजूदगी में घर का दरवाजा खोला गया, लेकिन दरवाजा खुलते ही अंदर से इतनी तेज बदबू आई कि सभी पीछे हट गए। कुछ देर बाद हिम्मत कर फिर से वो अंदर गए। फर्श पर हर तरफ खून के निशान थे, मांस के छोटे छोटे लोथड़े यहां वहां पड़े थे और खून की एक सूखी हुई लकीर कमरे में रखे फ्रिज तक जा रही थी। जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खुला, एक चीख के साथ सभी लोग उल्टे पैर कमरे से बाहर की तरफ भागे। उस एक पल में उन्होंने जो कुछ भी फ्रिज के अंदर देखा वो दहलाने वाला था। इसी बीच मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। आनन फानन में बेंगलुरु पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, लेकिन कमरे से इतनी तेज बदबू आ रही थी कि पुलिस वाले अंदर नहीं जा सके। डबल मास्क पहनकर पुलिस वाले कमरे में दाखिल हुए। सामने रखे फ्रिज का दरवाजा खुला था जिसमें सब कुछ साफ दिख रहा था। सबसे ऊपरी खाने में दो इंसानी पैर रखे थे, बीच के खाने में इंसानी जिस्म के अलग अलग हिस्से और सबसे निचले खाने में रखा था एक सिर जो महालक्ष्मी का था। क्राइम सीन से एविडेंस कलेक्ट करने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। फॉरेंसिक वालों के लिए भी ये अजीब क्राइम सीन था। ऐसे क्राइम सीन से सबूत बटोरना बेहद मुश्किल था, लिहाजा फॉरेंसिक टीम ने बोरिंग अस्पताल के मुर्दा घर से स्टाफ बुलाया। इसके बाद ही फ्रिज से लेकर फर्श तक पर जो लाश बिखरी थी उन टुकड़ों को समेटा गया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों को अंदाजा हुआ कि लाश के टुकड़ों की तादाद 30 से 40 के दरमियान है। लाश के टुकड़े समेटने के बाद पुलिस ने कमरे की तलाशी ली। बेड पर एक मोबाइल मिला जो महालक्ष्मी का था। मोबाइल ऑन करके कॉल डिटेल रिकॉर्ड चेक की गई तो पता चला कि मोबाइल से आखिरी कॉल 2 सितंबर को की गई थी। 2 सितंबर के बाद से ना तो इस फोन से कोई कॉल की गई और ना ही कोई कॉल रिसीव की गई। इसी से बेंगलुरु पुलिस ने अंदाजा लगाया कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 से 3 सितंबर के दरमियान हुआ है, जबकि कमरे का दरवाजा 19 दिन बाद यानी 21 सितंबर की दोपहर 3:30 बजे खोला गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसी ने इतनी बेरहमी से महालक्ष्मी का कत्ल क्यों किया? आखिर किसी की उससे क्या दुश्मनी थी? बेंगलुरु पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। महालक्ष्मी की मां और बहन से शुरुआती पूछताछ में मालूम चला कि 2019 तक पूरा परिवार नेपाल में ही रहता था। उसी साल महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास नाम के शख्स से हुई। शादी के बाद दोनों लोग रोजगार और बेहतर जिंदगी की तलाश में नेपाल से बेंगलुरु पहुंचे। बेंगलुरु में हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक बड़े मॉल की कॉस्मेटिक शॉप में बतौर सेल्स वुमेन टीम लीडर की नौकरी मिल गई। दोनों पति पत्नी बेंगलुरु के नीला मंगला इलाके में किराए के घर में रहते थे। बाद में दोनों की एक बेटी हुई। साल 2023 तक उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन 2023 में हेमंत और महालक्ष्मी अलग हो गए। बेटी हेमंत दास के साथ रहती थी, जबकि महालक्ष्मी पिछले 5 महीने से व्याली कवल इलाके में किराए के मकान में रह रही थी, वो भी अकेली।
हर 15 दिन या महीने में एक बार वो अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर जाया करती थी। पुलिस तफ्तीश में हेमंत और महालक्ष्मी के बीच दूरी की वजह थी लव ट्रायंगल। दरअसल हेमंत को शक था कि उसकी पत्नी का अशरफ नाम के लड़के से अफेयर चल रहा है। अशरफ उत्तराखंड का रहने वाला है, वो बेंगलुरु में रहकर हेयर ड्रेसर का काम करता है। इसी बात को लेकर हेमंत और महालक्ष्मी के बीच अक्सर झगड़ा होता था। इसी झगड़े की वजह से तकरीबन 9 महीने पहले महालक्ष्मी अपने पति हेमंत से अलग रहने लगी थी। पहले कुछ दिनों तक माँ और छोटी बहन के साथ रही और फिर 5 महीने पहले किराए के घर में शिफ्ट हो गई थी। पड़ोसियों के मुताबिक महालक्ष्मी आस पड़ोस में ज्यादा लोगों से घुली मिली नहीं थी। वो किसी से बात भी नहीं करती थी। रोजाना सुबह 9:30 बजे काम पर जाती और रात 10:30 बजे बाद घर लौटकर आती थी। पड़ोसियों ने कई बार एक अजनबी शख्स को महालक्ष्मी को घर से पिक और ड्रॉप करते जरूर देखा था, लेकिन वो शख्स कौन था कोई नहीं जानता था। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक वो इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो अजनबी है कौन। बकौल पुलिस बहुत मुमकिन है कि महालक्ष्मी का कातिल वही अजनबी हो। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक वो अब तक महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और उस हेयर ड्रेसर अशरफ से लंबी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन इन दोनों से शुरुआती पूछताछ में मालूम चला है कि महालक्ष्मी के कत्ल में इनका हाथ नहीं है। इन दोनों की मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड में भी 2 सितंबर से 19 सितंबर तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे इन पर शक किया जाए। तो फिर सवाल उठता है, आखिर महालक्ष्मी का कातिल कौन है? कौन है जिसने इतनी बेदर्दी से उसका कत्ल किया और लाश के टुकड़ों को फ्रिज में ठूस दिया? बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक महालक्ष्मी के मोबाइल की कॉल डिटेल भी शक की सुई को अजनबी की तरफ घुमा रही है। हालांकि बेंगलुरु पुलिस का कहना है कि उनके पास उस अजनबी की जानकारी है, उसका नाम भी उन्हें मालूम है। यहां तक कि यह भी पता है कि महालक्ष्मी के कत्ल के बाद वो भुवनेश्वर के रास्ते पश्चिम बंगाल जा चुका है। पुलिस उसके नाम का खुलासा इसलिए नहीं करना चाहती ताकि कातिल अलर्ट ना हो जाए। बेंगलुरु पुलिस की माने तो एक बार वो शख्स हाथ आ गया तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पुलिस की जांच में यह भी मालूम चला है कि 2 सितंबर यानी जिस दिन से महालक्ष्मी गायब हुई उसका मोबाइल बंद हुआ, तभी से महालक्ष्मी के रूम पर कोई भी नहीं आया। यहां तक कि पड़ोसियों ने भी 2 सितंबर या उसके बाद कभी महालक्ष्मी के घर से किसी तरह की आवाज नहीं सुनी, जिससे उन्हें शक होता है। हालांकि क्राइम सीन को देखने के बाद पुलिस का मानना है कि महालक्ष्मी का कत्ल इसी कमरे में हुआ था। इस थ्योरी के पीछे की वजह यह है कि जिस इलाके में महालक्ष्मी रहती है वहां किसी लाश को लेकर पहली मंजिल तक जाना मुमकिन नहीं है। पुलिस की थ्योरी पर यकीन करें तो काफी हद तक मुमकिन है कि कत्ल से पहले महालक्ष्मी को बेहोशी या नींद की दवा दी गई होगी, इसलिए कत्ल के वक्त घर से चीखने की आवाज नहीं आई। लेकिन जिस तरह से कत्ल के बाद महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े किए गए उसे देखकर लगता है कि कातिल जल्दबाजी में नहीं था, यानी कातिल ने घर के अंदर तसल्ली से लाश के टुकड़े किए, यानी कत्ल के बाद भी वो कई घंटे या पूरी रात वहीं रहा। हालांकि हैरानी इस बात पर है कि किसी ने भी उसे जाते हुए नहीं देखा। महालक्ष्मी केस में उसके पति हेमंत को उसके अफेयर पर शक था, लेकिन ये शक महालक्ष्मी के कत्ल की वजह बना या कहानी कुछ और है, इसका खुलासा तभी होगा जब कातिल पुलिस की गिरफ्त में होगा। हालांकि आफ्ताब की तरह महालक्ष्मी के केस में फिलहाल पुलिस ने उसके पति था बेंगलुरु के महालक्ष्मी केस के सिलसिले में, और वीडियो की सच्चाई कहाँ तक है अगर आपको भी कुछ आइडिया है तो आप भी अपने कमेंट शेयर कर सकते हो हमारे साथ। और अगर और भी वीडियोस देखनी है इसके रिलेटेड तो आप जाके TV9 भारतवर्ष से सारी वीडियोस आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। लगे रहो।